फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स देखिए मैं फिर आप लोग के लिए जनरल साइंस की क्वेश्चन लेके आई हूँ रेलवे और एसएससी के लिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इसके पहले मैंने 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन बताया था जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आप लोग को उसके आगे बताऊँगी 11 से। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी मेरे साथ जुड़ के और अपनी एसएससी और रेलवे की तैयारी करें। फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, जंग किसका ऑक्साइड है। तो जंग किसका ऑक्साइड है, ये लोहे का। किसका ऑक्साइड है, लोहे का। 12 है, MCB का फुल फॉर्म क्या है। MCB का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है मीनिएटर सर्किट ब्रेकर। 13 है, छाया बनने का कारण है, मीन्स छाया बनने का क्या कारण है। तो छाया बनने का कारण है प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है तो वही कारण है कि छाया बनता है। तो यहाँ पे 14 है, समुद्री हवा किसका परिणाम है। तो समुद्री हवा किसका परिणाम है, ये संवहन का। किसका परिणाम है, संवहन का है। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर इस सबको सारे क्वेश्चन को लर्न कीजिए ताकि आप लोग के लिए बहुत ही सारे वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15 है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, वो है केंचुआ। 16 है, 98.3 MH जेट में MH जेट क्या दर्शाता है। तो ये मिलियन हर्ट्ज दर्शाता है। 17 है, वृद्धिकर हार्मोन्स इसमें उत्पादित होते हैं। मतलब वृद्धिकर हार्मोन्स किस में उत्पादित होते हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि में। किस में उत्पादित होते हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि में। 18 है, कणों को क्या कहा जाता है। तो कणों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो कणों को धनायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कणों को धनायन। 19 है, CNG गैस का मुख्य संगठक क्या है। तो CNG गैस का मुख्य संगठक क्या है, तो ये है मेथेन। मेथेन CNG का मुख्य संगठक है। 20 है, एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। 21 है, डेंगू वायरस का वाहक है। तो डेंगू मादा एडीज मच्छर का वाहक है। 22 है, मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में पता लगाया, किसने पता लगाया था मानव प्रणाली के पेट के बारे में। तो ये विलियम ब्यूमोंट ने पता लगाया था। 23 है, पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है, तो ये है पृथ्वी का असमान ताप। पृथ्वी का जब असमान ताप होता है तो पवनों का अपवन चलने लगती है। 24 है, गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण अवतल और उत्तल दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। किसको कहते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण को हम गोली दर्पण कहते हैं। 22 WWTP का फुल फॉर्म क्या है। WWTP का फुल फॉर्म क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। WWTP का फुल फॉर्म क्या है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान। 23 है, लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है। तो ये कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध होता है, कवक और शैवाल। 24 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को आता ही होगा। तो ये 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 है, मेन कोनाइट किस धातु का अयस्क है। तो मेल कोनाइट तांबा का अयस्क है।
किसका अयस्क है? मेल कोनाइट। किस धातु का अयस्क है फ्रेंड? तो ये तांबा का अयस्क है। और 26 है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ब्लैक होल का, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये एस चंद्रशेखर के द्वारा। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है फ्रेंड्स कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो अगर आपका ऑप्शन वहाँ पे रहेगा चंद्रशेखर, तो आप उस ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चंद्रशेखर ने किसका सिद्धांत दिया, तो चंद्रशेखर ने किसका सिद्धांत दिया, तो वहाँ पे आपके चार ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक रहेगा ब्लैक होल। तो जो ब्लैक होल वाला रहेगा उस पर आप सही टिक कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड जब भी वनडे एग्ज़ाम में आता है तो क्वेश्चन घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। सेम एज ऐसे क्वेश्चन ज़रूरी नहीं आए, आंसर सेम वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को कभी आंसर में और आंसर को कभी क्वेश्चन में ये बदल के पूछे जाते हैं। तो 27 हमारा है, पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है? ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ट्रिक है ताज़ा पीतल, ताज़ा पीतल, ता मीन्स तांबा और ज मीन्स जस्ता। तो आप ऐसे कर देंगे ताज़ा पीतल, मतलब पीतल का ये क्या है, पीतल किसका मिश्रण है, तो आप तांबा और जस्ता, ताज़ा पीतल, ये ट्रिक लगाएंगे तो आप लोग को बहुत इजी रहेगा। तो 28 है यहाँ पे, ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? तो ये विद्युत मोटर, विद्युत मोटर को क्या कहते हैं, ऊर्जा में बदलना। और 29 है यहाँ पे, प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? प्रतिध्वनि मीन्स कहने का यहाँ पे सेंस है, प्रतिध्वनि मतलब दोबारा जो आवाज़ आती है, प्रति मीन्स दोबारा, ध्वनि मतलब सुनाई, आवाज़ मतलब जो दोबारा आवाज़ आती है किस कारण से सुनाई देती है, तो वो ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन जब होता है, तो हमें जब भी हम कहीं जाते हैं खाली जगह पे फ्रेंड्स, आप खाली कमरे में कहीं आप अगर तेज़ तेज़ चिल्लाएंगे तो आवाज़ हमारी दोबारा टकरा के आती है, तो वो किस लिए, किसकी वजह से होता है, ये ध्वनि तरंगों का परावर्तन की वजह से। पे 30 है, कौन सा रंग तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है, कौन से रंग का? तो ये भी बहुत इजी है, आप लोग को आता ही होगा, कौन से रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है? तो वो होता है लाल, लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31 या 31, एसिड बदलता है, एसिड किसको बदलता है? नीले लिटमस को लाल में, जो नीला लिटमस पेपर होता है, या नीला लिटमस आप कह सकते हैं यहाँ पे कहने का सेंस है, तो नीले लिटमस को वो किसमें बदलता है? तो वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है नीले लिटमस को लाल में बदलना या कुछ भी, तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन रहेगा एसिड बदलता, एसिड बदलता या कुछ भी, तो आप इस पर टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर देखिए फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो बहुत थी, मैंने ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बार बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसकी तैयारी करें। और फ्रेंड्स आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है और मैं कैसा पढ़ाती हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अगर वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वो लोग भी मेरे से जुड़ें और मैं ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।